हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 5 बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जो है आप सभी के लिए लेके आया हूं। आपको फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं 3 एप्लीकेशन तो ऐसी बताऊंगा जिसे जो है आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं, और 2 जो है वेब एप्लीकेशन आप सभी को बताऊंगा जिसे जो है बस आप इंटरनेट की हेल्प से कहीं पे भी बिना इंस्टॉल किए यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि 5 बेस्ट एप्लीकेशन जो है ऑल्टरनेटिव एप्लीकेशन कौन कौन सी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिस्टर बॉट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली एप्लीकेशन है फ्रेंड्स उसका नाम है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल पर जाना है और सर्च करना है लिब्रे ऑफिस, और आपको यहाँ पर फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगा, आपको इसको प्रेस क्लिक कर देना है और आप जो है इसकी वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और ये एप्लीकेशन जो है सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है जैसे लिनक्स विंडोज में। आपको जो है सिंपली इस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लेना है। और एप्लीकेशन फ्रेंड ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, 302 MB की जो है इसका एप्लीकेशन का जो साइज है, इसको जो है आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं कि हमें यहाँ पे इस टूल के अंदर एमएस ऑफिस के कौन कौन से बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड देखने को मिलता है तो उसकी जगह यहाँ पे आपको राइटर टूल देखने को मिलता है। जैसे एमएस एक्सेल आपको देखने को मिलता है ऐसे यहाँ पे आपको कैल्क टूल देखने को मिलता है, और जैसे आपको एमएस ऑफिस के अंदर पावर पॉइंट देखने को मिलता है यहाँ पे आपको इंप्रेस टूल देखने को मिलता है। आप यहाँ पे जो है छोटे मोटे ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं ड्रॉ टूल की हेल्प से, डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा टूल है, बेस्ट टूल नाम है इसका। इसके बाद आप मैथ सिचुएशन वगैरह एडिटर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि फ्रेंड्स बहुत अच्छा टूल है। इन सभी टूल्स को जो है आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं सेकंड एप्लीकेशन कौन सी है जिसे जो है आप एमएस ऑफिस की जगह यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसका नाम है फ्री ऑफिस। फ्री ऑफिस को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है फ्री ऑफिस, और आपको यहाँ पे देखिए सर्च रिजल्ट में फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। जैसे आप इसकी वेबसाइट में आएंगे तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फ्री ऑफिस परमानेंटली फ्री टू यूज। आप इस ऑफिस को परमानेंटली फ्री में आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके फीचर्स जान लेते हैं जो कि हमें ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बेस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट मेकर है ये आपको जो है एमएस वर्ड की तरह यहाँ पे देखने को मिलेगा, काफी अच्छा टूल है। प्लान मेकर है ये आपको एमएस एक्सेल की जगह यहाँ पे इस टूल के अंदर देखने को मिलेगा। प्रेजेंटेशन जो है आपको एमएस पावर पॉइंट की जगह जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सभी टूल्स बहुत अच्छे हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। इसकी अगर मैं साइज की बात करूँ तो इसका डाउनलोड साइज जो है लगभग 111 MB का है और ये सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है जैसे विंडोज मैक और लिनक्स, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप इस टूल को आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब तीसरी एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं जिसका नाम है WPS ऑफिस। तो सिंपली आपको इसको डाउनलोड करने के लिए गूगल में सर्च करना है WPS ऑफिस, और फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगा WPS.com का। आप जो है इस वेबसाइट पे आके यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको विंडोज़ के लिए सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, मैक के लिए, एंड्रॉइड, लिनक्स, iOS। इसके अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेटा रिकवरी, PDF कन्वर्टर ऑनलाइन, WPS PDF फॉर एंड्रॉइड, WPS क्लाउड, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। PDF के बहुत सारे टूल्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट के बारे में। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कौन कौन से ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एमएस ऑफिस के। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, आपको पावर पॉइंट की जगह देखने को मिल जाएगा। राइटर टूल आपको एमएस वर्ड की जगह देखने को मिल जाएगा। स्प्रेडशीट आपको यहाँ पे एक्सेल की जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा टूल है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं कि वेब एप्लीकेशन ऐसी कौन कौन सी 2 वेब एप्लीकेशन है जिसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली है गूगल डॉक्स। तो गूगल डॉक्स को आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है गूगल डॉक्स, फर्स्ट लिंक आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना, अपनी जीमेल से लॉगिन कर देना, ठीक है, जीमेल आईडी से। और यहाँ पे आपको कुछ टूल्स देखने को मिल जाएगा जैसे कि गूगल डॉक्स शीट्स, स्लाइड्स, जो डॉक्स टूल है वो एमएस वर्ड का यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, शीट्स जो है एक्सेल का ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, और स्लाइड्स जो है पावर पॉइंट का जो है बेस्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। इसको जो है आप यूज कर सकते हैं इस वेब एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, जो कि एकदम फ्री है। और फाइनली जो लास्ट एप्लीकेशन जो है फ्रेंड्स वेब एप्लीकेशन बची है उसका नाम है office.com। ठीक है, आप office.com पे जाइए जो कि खुद माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल, ठीक है, ये वेब एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप एमएस ऑफिस का कोई भी प्रोडक्ट जो है एकदम फ्री में यूज कर सकते हैं जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, सभी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। वन ड्राइव आपको यहाँ, क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है,
आपको सब कुछ यहाँ पे जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियली फीचर्स वगैरह हैं आपको सब यहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएंगे, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही बेस्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है। इन सभी बेस्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में से आप सभी को कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा मेरे को नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी मेरे को नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।